नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे नई वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अप्रैल में आने जा रही है। हाल ही में आपको बताया था, देश की 11th वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है दिल्ली जयपुर अजमेर के बीच में लॉन्च हो। उसका टेंटेटिव शेड्यूल भी आ चुका था, मैंने बता दिया है, और साथ में ही वो ट्रेन कैसे खास होने वाली है, उसके पेंटोग्राफ में क्या अलग बात होगी, वो रूट कैसा है, वो भी आप जान सकते हैं उस वीडियो में। अब यहाँ पर बात निकल के आई है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस और आ रही है, और अब यहाँ पर रेस लग चुकी है कि अगर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे कि हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था, 31 मार्च के आसपास या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वंदे भारत एक्सप्रेस या तो 12th वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी, या फिर जयपुर वाली अगर बाद में लॉन्च होती है तो वो 12th वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाएगी। जयपुर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है, उसका नाम है MGR चेन्नई सेंट्रल कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये साउथ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होने जा रही है, जो कि साउदर्न रेलवे SR में चलेगी। इससे पहले हमारे देश की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस MGR चेन्नई सेंट्रल टू मैसूरू, जो कि कर्नाटका में है, तमिलनाडु टू कर्नाटका लॉन्च हो चुकी है। 497 किलोमीटर का सफर ये तय करती है, और देश की पांचवी और साउदर्न रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी। और अब साउदर्न रेलवे को एक बड़ा गिफ्ट मिल रहा है पीएम मोदी जी की तरफ से, नेक्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वहां लॉन्च होने जा रही है, और कोयम्बतूर और चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। इसका भी नंबर नहीं आया है, लेकिन ये बात पता लग गई है कि लॉन्च कब होने जा रही है, 8 अप्रैल को पीएम मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं इस रूट के बारे में। देखिए, ये ट्रेन पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर ही चलेगी। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है और चेन्नई भी तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर ये ट्रेन जो है कहीं ना कहीं उसी रूट पे चलेगी जहाँ पर शताब्दी चल रही होगी। यहाँ पर चलती है 12243 चेन्नई सेंट्रल कोयम्बतूर शताब्दी एक्सप्रेस, जो 12244 बन जाती है जब ये कोयम्बतूर से चेन्नई सेंट्रल जाती है। तो ये ट्रेन जो है 495 किलोमीटर का सफर तय करती है पूरे 7 घंटे 5 मिनट में। 69 kmph की इसकी एवरेज स्पीड रहती है। इस ट्रेन को देखा जाए तो चेन्नई सेंट्रल से ये सुबह 7:10 पे निकलती है। 5 स्टॉपेज इसके चेन्नई और कोयम्बतूर के बीच में पड़ते हैं, और दोपहर को 2:15 पर कोयम्बतूर पहुंच जाती है। और ऐसे ही कोयम्बतूर से ये ट्रेन दोपहर में 3:05 पर निकलती है, और रात को 10:05 पर ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाती है। इस ट्रेन के बारे में मैंने जानकारी आपको पहले इसलिए दी क्योंकि जो मैं टेंटेटिव शेड्यूल बताऊंगा अभी नई वंदे भारत एक्सप्रेस का, क्या ये ट्रेन बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए उस रूट पे कि नहीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। चलिए टेंटेटिव शेड्यूल की बात करते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस कोयम्बतूर से सुबह 6 बजे निकलेगी, उसके बाद इसके बीच में उसके बाद MGR चेन्नई सेंट्रल और कोयम्बतूर के बीच में ये 3 स्टॉपेज पे रुकेगी, तिरुपुर, ईरोड और सलेम जंक्शन। यहाँ पर ये शताब्दी एक्सप्रेस से 2 स्टॉप कम है, कटपाड़ी जंक्शन और जोलारपेटे जंक्शन, इन दोनों पे ही नहीं रुकेगी, बस इतना ही फर्क है। तो सुबह 6 बजे कोयम्बतूर से निकलने के बाद 6:30 या फिर 6:40 पर इसकी त्रिपुर पहुंचने की संभावना रहेगी। 7:20 पर सुबह ईरोड पहुंचेगी, और 8:08 या 8:10 पर ये सलेम जंक्शन पहुंचेगी। उसके बाद दोपहर में 12:10 पर ये MGR चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाएगी। अब यहां से दोपहर 2:20 पर ये ट्रेन दोबारा चलेगी, और उसके बाद सलेम जंक्शन शाम के 6:03 या 6:05 पर पहुंचेगी। उसके बाद शाम के 7:02 या 7:05 पर ये ईरोड पहुंचेगी, और फिर शाम के 7:43 या 7:45 पर ये तिरुपुर पहुंचेगी, और फिर रात को 8:30 पर ये कोयम्बतूर दोबारा से पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से ये 495.28 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 10 मिनट पे तय करेगी, और 80.31 kmph की एवरेज स्पीड निकालेगी, जो कि शताब्दी की एवरेज स्पीड से ज्यादा है। यही कारण है 1 घंटे की बचत कर पा रही है ट्रेन, और ये काफी अच्छा लगा मुझे देख करके, ये ट्रेन 1 घंटा शताब्दी से कम ले रही है तो बेनिफिशियल लग रही है मेरे को इस रूट पे। टेंटेटिव शेड्यूल में इसका वेंसडे ऑफ बताया गया है। तो इस तरीके से ये ट्रेन इस रूट पर चलने जा रही है, काफी अच्छा रूट है, ये खूबसूरत भी है, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शताब्दी अगर चेन्नई से निकलती है तो ये कोयम्बतूर से निकलती है, तो कुछ उस तरीके से इसकी टाइमिंग है, दोनों आपस में पैरेलल नहीं चल रही है, ये अपोजिट चल रही है, तो काफी सही लग रहा है मुझे इसका शेड्यूल, टेंटेटिव शेड्यूल। हालांकि आगे जाकर के अगर ये परमानेंट शेड्यूल बनता है
तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगती है। तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? अगर आप SR से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की और भी वीडियोस आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।